पेट के ठीक से साफ ना होने की वजह से तमाम बीमारियों को माँ कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म में जहरीले गंदे मादे जमा होने लगते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों और सेहत की मसाइल पैदा करने की वजह बनते हैं। पेट का ठीक से साफ ना होना इस हालत को कहते हैं जिसमें या तो आपको रोज़ाना पखाना नहीं आता, जिसकी वजह से पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता। अगर पखाना आता है लेकिन खुलकर नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सारी छोटी और बड़ी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। छोटी बीमारियों में सर दर्द, जिल्द का ढल जाना, बेरौनक पड़ जाना, फोड़े फिंसनियाँ निकल आना, मुंह से बदबू आना, बदहजमी रहना, खाना ठीक से हजम ना होना, गैस रहना, खट्टी डकारें आना और पेट का फूल जाना जैसे मसाइल शामिल हैं। जबकि बड़ी बीमारियों में जिगर का डैमेज हो जाना, गुर्दों में मसाइल पैदा होना और बवासीर जैसे मसाइल शामिल हैं। इसलिए अगर रोज़ाना सुबह आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो इसे मामूली बात समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज आपके साथ बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज भी थी, इसका भी मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से आपको और भी बहुत सारे बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको मुनक्का की ज़रूरत पड़ेगी। आपने मुनक्का ही लेना है, मुनक्का की बजाय किशमिश नहीं ले लेनी। मुनक्का की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके अंदर बीज होता है, जबकि किशमिश के अंदर बीज मौजूद नहीं होता। ये साइज़ में भी किशमिश के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है। ये हल्का ब्राउन कलर का होता है। मुनक्का कब्ज़ का खात्मा करता है। ये आंतों में आने वाली ड्राइनेस को भी दूर करता है और आंतों में बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है और आपके दिल के लिए भी सेहतमंद है। आयरन और विटामिन बी से भरपूर होता है, जिसमें खून पैदा करता है, जिस्म में ताकत लाता है और हर किस्म की कमज़ोरी का भी खात्मा करता है। इसको इस्तेमाल करने से मादे में बढ़ने वाले तेजाबियत भी ख़त्म हो जाती है और पुरानी से पुरानी खांसी और सांस की मसाइल के लिए भी बहुत बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर आपको सौंफ की